हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। चलिए शुरू करते हैं। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट, दूसरे तरफ है रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो डिजाइन लाइफ होता है वो 15 इयर्स होता है, रिजिड पेमेंट का डिजाइन लाइफ 30 इयर्स होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो हम डिजाइन क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो एज पर IRC 37 के अनुसार करते हैं, जबकि रिजिड पेमेंट में जो डिजाइन क्राइटेरिया होता है वो IRC 58 के अनुसार फॉलो करते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन बेस्ड ऑन सबग्रेड स्ट्रेंथ यानी CBR के बेस पे होता है, जबकि रिजिड पेमेंट का डिजाइन बेस्ड ऑन फ्लेक्चर स्ट्रेंथ के अनुसार होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिजिड पेमेंट के बनस्पत कम होता है, लेकिन चूंकि मेंटेनेंस ज़्यादा होता है इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से 30-40% ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। आगे है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन है जो ये फिगर में दर्शा रहा है, और रिजिड पेमेंट में स्लैब एक्शन टेक्स प्लेस होता है। आगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट की ड्यूरेबिलिटी कम होती है रिजिड पेमेंट के बनस्पत, रिजिड पेमेंट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में लेयर थिकनेस ज़्यादा होता है, रिजिड पेमेंट में थिकनेस कम होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में ज्वाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि रिजिड पेमेंट में ज्वाइंट रिक्वायर्ड होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में रिपेयर वर्क आसान होता है, फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट में रिपेयर वर्क हार्ड होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में लेस क्यूरिंग टाइम होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आज हम बिटुमिनस वर्क किए हैं तो कल उस पर ट्रैफिक छोड़ सकते हैं, लेकिन रिजिड पेमेंट में ऐसा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा क्यूरिंग टाइम लगता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में बाइंडर के रूप में हम बिटवीन यूज करते हैं, रिजिड में हम बाइंडर मटेरियल के रूप में सीमेंट यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट में रोलिंग की आवश्यकता होती है, इसमें सरफेस पर रोलिंग की आवश्यकता रिजिड पेमेंट में नहीं होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के सरफेस पर अगर ऑयल ग्रीस या सर्टेन केमिकल गिरने से ये डैमेज हो जाता है इसका सरफेस, लेकिन रिजिड पेमेंट में ऐसा नहीं होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का सबग्रेड में अगर कोई डिफॉर्मेशन होता है तो वो अपर लेयर में भी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन रिजिड पेमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो उसका इफेक्ट स्ट्रेस पर नहीं पड़ता है, माने स्ट्रेस वेरिएशन उससे नहीं होता है, लेकिन रिजिड पेमेंट में अगर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो इसका इफेक्ट स्ट्रेस वेरिएशन स्ट्रेस पर पड़ता है, माने स्ट्रेस में वेरिएशन होता है। लास्ट पॉइंट है, स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द एग्रीगेट इंटरलॉकिंग पार्टिकल फ्रिक्शन एंड कोहेशन। रिजिड पेमेंट में स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द जॉइंट्स बिटवीन द स्लैब्स ऑफ कंक्रीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।